अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हमारा, कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? इसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चों को इसके अंदर शामिल किया गया है। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान की शुरुआत भी की है। यह अभियान 0 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए है। राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक सहायता उपलब्ध करवाती है। अगले देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदेश में किस अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है? तो ये ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जो है कार्यवाही की जा रही है पुलिस के द्वारा। 13 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो नागौर जिले के अंदर जो है 13 जून 2023 का मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। अब याद रखना है कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है, एग्जाम में पूछा जाता है जीके की तरफ से। 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा के अंदर। प्रदेश में किन जिलों में किसान मेलों का आयोजन किया गया? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। 16 से 18 जून को जयपुर में, 23 से 24 जून को उदयपुर में, 30 जून से 1 जुलाई जोधपुर को आयोजित किए गए थे। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? भाषा व पुस्तकालय विभाग के द्वारा। 29 से 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन, आपको पता है मारवाड़ तो जोधपुर में, ये याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको। प्रदेश में किस जिला प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। राजस्थान के विशेष योग्य जन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? ये किया गया है उदयपुर से। कहां पे? उदयपुर से किया गया है। अगला 17 नंबर देखिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है? धौलपुर के द्वारा। किसके द्वारा? धौलपुर के द्वारा। 18 नंबर देखिए। किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान की शुरुआत की है? तो देखते हैं किस जो है जिले के अंदर की गई है रास्ता खोल अभियान की शुरुआत। ठीक है, तो ये की गई है, देख लीजिए, अलवर के अंदर। रास्ता खोल अभियान अलवर जिले के अंदर की गई है। अगला देखिए। किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? ये 12 जिले के अंदर, अभी आरएस के अंदर ये पूछा गया था उमंग से संबंधित। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है? तो सवाई माधोपुर के अंदर। सुदर्शन चक्कर याद रखना है, सवाई माधोपुर के अंदर ही चलाना है आपको, कहीं नहीं चलाना है। बाकी राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्यवाही कर रही है? तो मिशन जन जागरण के तहत कार्यवाही कर रही है। आगे देखिए। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? झालावाड़ की पुलिस द्वारा संस्कार चलाया जा रहा है ऑपरेशन। किस जिला मुख्यालय पर सामुदायिक आधारित संगठन को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किया जा रहा है? जालौर के अंदर। किस जिले के अंदर? जालौर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है? तो ये किया गया डूंगरपुर के द्वारा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? बांसवाड़ा जिले के अंदर सक्षम अभियान। देखिए अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए की ओर शुरुआत कहां से की गई है? ये नागौर जिले से। हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? जालौर जिले से मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया गया? ये 21 से 28 जनवरी 2023 को ऑपरेशन सर्द चलाया गया था।
अगला देखिए, महारो स्वस्थ गांव और महारी ढाणी योजना कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई थी? तो ये नागौर जिले से हुई थी। किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है? ये अलवर जिले के अंदर अभियान सेहत इसके साथ चलाया जा रहा है। तो बहुत बड़ी कहते हैं बात है ये। देखिए, 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है? जयपुर से। कहां से? जयपुर से। 24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत काफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये डूंगरपुर के अंदर। कहां पे आयोजित किया गया? डूंगरपुर के अंदर। कहां पे? डूंगरपुर में। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? तो ये है महावारी स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है अस्मिता का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। किस जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष पहल कंप्यूटर सखी शुरू किया गया है? चूरू जिले में। किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है? उदयपुर के द्वारा। किसके द्वारा? उदयपुर के द्वारा। हाल ही में राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है? जयपुर पुलिस के द्वारा। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्श री अभियान चलाया जा रहा है? दौसा जिले के अंदर। कहां पे? दौसा जिले के अंदर। अगला देखिए 38 नंबर। 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग एवं यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन व शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अलवर जिले के अंदर। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाए हेतु मिशन एकलव्य अभियान जो है कि जिले में चलाया जा रहा है। मिशन एकलव्य अभियान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर चलाया जा रहा है। तो बहुत ही गजब की बात है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि हथकड़, 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हथकड़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत किस जिले से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो ये अलवर जिले से शुरू किया गया है। 41 नंबर देखिए, अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहां से? पाली जिले से। और पहले आया था सुदर्शन चक्र जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो कहां पे चलाया गया था? उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया है? वो जोधपुर से। 43 नंबर देखिए, श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो स्वस्थ गंगानगर मिशन की शुरुआत श्री गंगानगर के द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए यह मिशन स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए, राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कर्फ्यू जो है चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है बीकानेर के द्वारा। किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया गया है? तो ये बनाया गया कोटा जिला के द्वारा। 16 फरवरी 2023 को आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा, आगे चर्चा करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है 47 नंबर। कौन सा? 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, प्रदेश में क्या है? प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया गया? तो सुरक्षित बचपन जो अभियान है वो बूंदी जिले में चलाया गया। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर जन औषधि पौधा रोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बायतू अभियान चलाया जा रहा है? ये बाड़मेर से। कहां से? बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाल आयोग आपके द्वार, कौन सा? बाल आयोग आपके द्वार अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया गया है। 50 नंबर देखिए, प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? ये हुई थी 15 अगस्त 2022 को। कब है? 15
15 अगस्त 2022 को। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो बूंदी जिले को। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? ये किया है पुनखर गांव अलवर से, पुनखर गांव अलवर से किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से किस जिले को चयनित किया गया है? राजस्थान से जयपुर जिले का चयनित किया गया है एनीमिया मुक्त भारत पायलट प्रोजेक्ट के तहत। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? यह किया गया करौली जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी बेटी अपना मान अभियान के तहत मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये पाली जिले के अंदर अपनी बेटी अपना मान अभियान के तहत मस्ती पाठशाला चलाया गया है पाली जिले के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो अलवर जिले से। अगर आप राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशल ये जो है योजनाएं महिलाओं से संबंधित अभियान ये जोड़े गए हैं, तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अपराध पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत किस जिले में हुई? तो ये कोटा जिले में। 58 नंबर देखिए, 27 सितंबर 2022 से मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्तर पर कहां से शुरू किया गया? ये किया गया था नोखा बीकानेर से। कहां से किया गया था? नोखा बीकानेर के अंदर। कहां पे? नोखा बीकानेर के अंदर किया गया था। आगे देखिए, 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहां किया गया था? जयपुर जिले के अंदर। 60 नंबर देखिए, 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के जो है महिला कोर समूह की अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। कहां पे? जयपुर के अंदर। अगला 61 नंबर देखिए, मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई थी? उदयपुर के अंदर। कहां पे आयोजित की गई? उदयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। आगे देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फरवरी 2023 में G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में हुआ? ये जोधपुर जिले के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर, 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये उदयपुर के अंदर। 64 नंबर देखिए, 26 से 27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्राम उद्योग सम्मेलन कहां पर हुआ था? बीकानेर के अंदर, ठीक है। अगले 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जयपुर सरस राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया? 26 मार्च से 5 अप्रैल तक राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 24 से 26 मार्च 2023 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर में, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे मारवाड़ का, जोधपुर में हुआ था, और मेवाड़ का उदयपुर के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन जो है याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखिए, 19 से 21 मार्च 2023 राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहां किया गया था? जयपुर जिले में। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया गया था? जोधपुर के अंदर किया गया था। कहां पे? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 फरवरी 2023 को कहां पे हुआ? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में हुई थी। कहां पे? राजस्थान के जोधपुर जिले में। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया था? 29 से 30 नवंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। कहां पे किया गया? 29 से 30 नवंबर को। 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया था? जयपुर के अंदर। 11 से 13 नवंबर 2022 को आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां किया? जोधपुर में। और मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था जयपुर में नवंबर में, ये भी नवंबर में है। 23 से 24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन फिर कहां पे किया गया? मार्च में। ये किया गया था भरतपुर के अंदर। कहां पे? भरतपुर के अंदर किया गया था। आगे देखिए, हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। कितने नंबर की?
75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जोधपुर में किया गया था। 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जयपुर में किया गया था, राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन। तो ये सारे जितने भी महोत्सव है, आयोजन है, इनके बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे। जो भी एग्जाम में आएगा बाहर नहीं जाएगा इस बुक से। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 से 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। 78 नंबर देखिए, 29 से 31 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय सरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर। आपको पता है सरद महोत्सव बनाया जाता है और ये 3 दिवसीय बनाया गया था दिसंबर के अंदर माउंट आबू सिरोही के अंदर। बस आपको याद रखना, ये दिसंबर में बनाया जाता है। आगे देखिए, फड़ से पड थीम पर चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को हुआ? ये 16वां, कौन सा? 16वां संस्करण हुआ था। ठीक है, अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तभी ये चीजें आपको जो दिनांक याद हो पाएगी। देखिए, 81 नंबर, लोकसभा और विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी को किस देश की विधानसभा में हुआ? ये राजस्थान में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 11 और 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में हुआ, ये 83वां था। ठीक है, सम्मेलन। आगे देखिए, दिसंबर 2022 को राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कौन सी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 9 से 12 फरवरी 2023 को डेफिलिक जो है डेल्फिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर। 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था जोहार कला केंद्र जयपुर। ठीक है, जयरंगम। आगे है, IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2022 में पीको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन किया गया है? ये जयपुर के अंदर। कहां पे किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए 87 नंबर, 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर के अंदर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया? अलवर जिले के अंदर किया था। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। वागड़ महोत्सव आपको याद रखना है डूंगरपुर के अंदर होता है और ये सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, ये नवंबर में। ठीक है, 5 से 6 नवंबर 2022 को चौपासनी जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? यूनेस्को में। कहाँ पे किया गया? यूनेस्को के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, विविध सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में किया गया था, 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय। ठीक है, ये किसका था? विधिक सेवा प्राधिकरण का। एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो एपिकॉन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर किया गया था। कहां पे? जयपुर के अंदर। 29 से 30 अक्टूबर को अजस महोत्सव 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? जोधपुर में। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? उदयपुर जिले में किया गया। कहां पे? उदयपुर जिले के अंदर किया गया। अगला देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर में। 4 से 10 जनवरी 2023 को 8वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी ये रीड के अंदर पूछा गया था, आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? रोहट पाली के अंदर। इसे मोस्ट कर लेना आगे एग्जामों की दृष्टि से। ठीक है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, दो दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? कोटा जिले के अंदर। कहां पे? कोटा जिले के अंदर किया जाएगा। अगला देखिए, 12 से 14 नवंबर 2022 तक लिटरेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? जोहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। अगला देखिए, 99 नंबर,
डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के द्वारा मारो राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? जोहार कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। तो ये सारे याद रखने आपको, कहाँ पे किया गया? जोहार कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग क्या है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? बूंदी महोत्सव बनाया जाता है नवंबर में, देखिए 11 से 13 नवंबर 2022 को। तो ये सारे याद रखने की, ये महोत्सव कब कब, अगर महीना याद है ना तो आप अच्छी तरीके से करोगे। देखिए 8 से 9 अक्टूबर 2022 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये जोधपुर के अंदर किया गया था। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। आपको पता है मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, बूंदी महोत्सव नवंबर में मनाया जाता है और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। और पीछे आया था वो डूंगरपुर वाला, ठीक है, वो भी याद रखना आपको। 3 दिवसीय रंग स्वाधीन स्वाधीन का आयोजन 8 से 10 अगस्त तक कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। 103 नंबर देखिए, 11 से 12 नवंबर को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जयपुर की सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेक्शन सेंटर में आयोजन, CDOS व फिक्की के सहयोग से आयोजन, रिको इसका प्रायोजक है, उपरोक्त सभी। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। आगे देखिए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हेलो मायड़ भाषारो कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? 20 नवंबर 2022 को। 6 से 10 अक्टूबर 2022 में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। आगे देखिए, 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये किया गया था 11वां। कौन सा? 11वां, ठीक है। आगे देखिए, खादी और ग्रामोद्योग के तत्वावधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 19 से 20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? जयपुर के अंदर किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 109 नंबर। देखिए 24 से 27 नवंबर 2022 को 4 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अलवर में। 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन 9 से 12 दिसंबर जयपुर में किस विभाग द्वारा किया गया? उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा। 33वां सुर संगम का राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 23 से 29 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया? ये देखिए 33वां सुर संगम राष्ट्रीय युवा संगीत पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र उदयपुर के अंदर ये किया गया था। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 से 25 जनवरी को कृषि महोत्सव का प्रदर्शनी कहाँ से किया गया था? कोटा जिले से किया गया था। कहाँ पे? कोटा जिले के अंदर। अगला देखिए, राजस्थान के भूले हुए संगीत वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार थीम पर 16 से 18 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर में। राज्य सरकार के शांति व अहिंसा विभाग के तत्वावधान में 11 से 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा महोत्सव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था निमोली पाली के अंदर। कहाँ पे? निमोली पाली के अंदर, ठीक है। देखिए 115 नंबर, 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान को इसकी मेजबानी कितने साल बाद मिली? तो 11 वर्ष बाद। कितने साल? 11 वर्ष बाद मिली। 5 जनवरी 2023 को पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। 1 से 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर के अंदर किया गया था। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? 11 फरवरी को। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर में। सिटी पार्क है जयपुर के अंदर, ठीक है। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर के अंदर। 25 से 26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर आयोजित किया गया था। अगला देखिए, 6 से 10 जनवरी 2023 को 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस थीम के साथ हुआ? तो ये फिल्मों से
मानसिक योग के साथ हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन। 5 से 9 जनवरी 2024 को 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में। 14 से 24 जनवरी 2023 को राजीविका सरस राष्ट्रीय क्रॉप मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर किया गया। ठीक है, आगे देखिए 25 फरवरी। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। 17 से 19 फरवरी को सांबर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 से 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर जिले के अंदर किया गया। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर जिले के अंदर। आगे देखिए 10 से 12 मार्च 2023 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 19 से 21 मार्च 2023 को किस जिले में आईटी जॉब फेयर लगा है? तो ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। आगे देखिए 21 से 23 फरवरी 2023 को यूआईसी और आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन है कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। तो कुछ अब मेगा जॉब फेयर है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं लास्ट। देखिए 13 जून 2023 को नागौर में, 7 जून को भीलवाड़ा में, 13 मई को सवाईमाधोपुर में, 28 अप्रैल को दो बांसवाड़ा में, 20 से 21 अप्रैल 2023 को अजमेर संभाग में, 19 से 21 मार्च 2023 को जयपुर में, 23 से 24 मार्च 2023 भरतपुर में, 4 से 5 जनवरी 2023 उदयपुर में। आगे देखिए 28 से 29 नवंबर 2023 बीकानेर और 14 से 15 नवंबर 2022 जयपुर में, 11 से 13 नवंबर 2022 जोधपुर में किया गया था। तो आज के तहत हमने यह टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इसी प्रकार हम अगले टॉपिकों की भी चर्चा करता रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।